संडे वाली मॉर्निंग कब से हो गई है, बट ये हेमल जग ही नहीं रहे हैं। फटाफट से पहले हेमल को जगाती हूँ, उसके बाद सब काम करती हूँ। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू दीदी खोरावास व्लॉग। चलिए जल्दी जल्दी से, आज संडे है, फिर भी फटाफट से सारा काम फिनिश करना है। जैसा कि मैंने अगले व्लॉग में ही बताया था कि रांदल माँ के नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं एकादशी से। सो क्या होता है कि रांदल माँ के नवरात्रे होते हैं तब जब लास्ट डे होते हैं ना, जब माता जी का विसर्जन होता है और उसके आगे वाले दिन पे, तब सब लोग ना माता जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हैं। और प्रसाद में एक स्पेशल प्रसाद होता है, हमारे यहाँ पे उसे थेपला कहते हैं, बट वो बेसन होता है ना, उसके आटे के छोटे छोटे वो बनाते हैं, वो यहाँ पे तो थेपला ही बोलते हैं, प्रॉपर पापड़ जैसे भी कह सकते हैं आप। मैं बताऊंगी आप लोगों को, दिखाऊंगी कि किस तरह से होता है। सो वो जो प्रसादी होती है ना, वो सेलिंग के लिए हमारे यहाँ सब घर से सब लोग बनाते हैं। तो उसके लिए जहाँ पे वेडिंग हॉल होता है ना, बहुत बड़ा, वो पूरा बहुत बड़ा वेडिंग हॉल होता है, वहाँ पे सब परिवार वाले इकट्ठा होते हैं एंड वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में प्रसादी बनती है। सो हम लोग सब वहाँ पे जाते हैं क्योंकि हमारे घर से ही वो सब बनता है एंड हमारे घर से ही वो सब सेलिंग होता है। सो चलिए अभी फटाफट से मुझे सारा काम फिनिश करके वहाँ पे वेडिंग हॉल है, वहाँ पे जाना है क्योंकि वहाँ पे ढेर सारी मात्रा में प्रसादी बन रही है और हेमल भी साथ में आएंगे। हेमल को जल्दी जल्दी से जगाया, अभी हेमल फ्रेश होने गए हैं, उसके बाद जाते हैं हम लोग। A few moments later. मैं जल्दी जल्दी से मेरा काम सारा फिनिश कर रही थी तभी मुझे अमन का कॉल आया और अमन सीधा आ गया है यहाँ पे घर पे। हाय अमन, हैप्पी संडे। क्योंकि अमन का तो वेकेशन हो गया है तो अब दिन सब अच्छे ही जा रहे हैं। क्यों अमन, जलसा हो गया ना एकदम से? कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। वैसे लेके क्या आया है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो क्या होता है फाफड़ा? फाफड़ा जलेबी। संडे यानी कि गाठिया, हमारे यहाँ पे तो गाठिया, संभाड़ा, मिर्ची वो सब होता है, इसलिए क्योंकि हमें जलेबी पसंद नहीं है। क्यों अमन, हमें जलेबी नहीं अच्छी लगती ना? नहीं, हमें मीठे से ज्यादा नमकीन अच्छा लगता है। सो अमन गरम गरम से गाठिया लेके इसमें आया है। सो आज तो मॉर्निंग मॉर्निंग में गाठिया पाती हूँ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पागल हो जाए। चलिए अभी गाठिया खाते है और दिन की शुरुआत वैसे कब की हो गई है, काम भी हो गया है, बट जल्दी जल्दी से जाना भी है। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. आज तो मॉर्निंग मॉर्निंग में गाठिया पार्टी हो गई, सुबह 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 क्या चार बार बोल गई, सुबह 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 तो क्या नाचो मैं? सुबह सुबह यानी कि मॉर्निंग मॉर्निंग में सब लोग संडे की शुरुआत खासकर गुजराती जलेबी फाफड़ा से ही करते हैं। सो आज हम भी यमी यमी से फाफड़ा और संभारा खाएंगे। जलेबी नहीं लेके आया अमन क्योंकि हमें नहीं पसंद है, और ये तो देखिए खाने भी लगा। और हेमल अभी आ रहे हैं, वो फ्रेश होने गए हैं, सो अभी आएंगे तो हेमल भी सुबह सुबह मॉर्निंग में अच्छी तरह से गाठिया की पार्टी करेंगे आज। A few moments later. सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे किचन में गरम गरम सा लंच बनाने के लिए, और हेमल रेडी हो गए हैं क्योंकि हेमल जा रहे हैं जहाँ पे प्रसाद बन रहे हैं ना, वहाँ पे मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं शाम के टाइम को जाऊंगी क्योंकि अभी घर पे भी ढेर सारा काम बाकी है। Yes, वो पिटारा भी निकालना बाकी है। संदूक, संदूक, पानी सुबह सुबह नहीं पीना चाहिए, गाठिया और चाय तो दी अभी अभी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो उससे क्या दिक्कत है? मुझे है दिक्कत, पानी मेरा, मैं पी लू पानी, बॉटल मेरी है, मैं लेके आई थी, लो अब क्या पी लिया। चलिए तो मैं जाती हूँ किचन में और हेमल जाएगा सीधा प्रसादी बनाने के लिए। जो हेल्पर होते हैं ना वो सब हेल्प भी करते हैं, सब साथ मिलके बनाते हैं। तो हेमल जाएंगे अभी, मैं तो किचन में जाके हमारे लिए खाना बनाऊंगी और हेमल जाके वहाँ पे थेपला बनाएंगे। और वैसे भी फ्राई तो हम लोग ही करते हैं ना, वो तो सिर्फ बेल के देती है। चले वहाँ पे जाते तो जाते नहीं, जाते है हेमल, मैं नहीं जाऊँ। ओके बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बुलाना तब लेने आऊंगा। मैं तो शाम को ही आऊंगी। ओके, खाना खाना नहीं आने वाला है? आने वाला हूँ। हाँ तो बाय बाय, मुझे नहीं, आप आ जाइए वहाँ से ऐसा, ठीक है? जाइए। We'll be right back.
गर्मी गर्मी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना किचन में। लंच बन के मेरा एकदम से रेडी हो गया है, बस अब जैसे ही हेमल आए ना तो हम लोग सीधा खाना खाने बैठ जाएंगे। एंड खाना खाने के बाद ना मैं जाऊंगी सीधा वहां पे जहाँ पे वेडिंग हॉल पे सब प्रसादी वगैरह बन रहे हैं ना, वहां पे बर्ड्स की कितनी प्यारी प्यारी आवाज आ रही है, क्योंकि धूप की वजह से ना सब लोग वो कहते हैं ना पेड़ की छांव में जाके बैठ जाते हैं। इतना सारा काम होता है ना, पता ही नहीं चला टाइम का। अब जल्दी जल्दी से रेडी होके ना जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट काम के चक्कर में लेट ही होते हैं। अभी सीधा सीधा शाम हो गए हैं, क्योंकि लंच करने के बाद ढेर सारा काम था, तो मैं सारा काम फिनिश करने में लग गई थी। एंड हेमल ना फटाफट से लंच करके वापस से वेडिंग हॉल पे चले गए थे। सात सुबह से इसी तरह से रूटीन चल रहा है, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं भी जा रही हूँ वहां पे जहाँ पे प्रसादी बन रही है, और हेमल भी यहाँ पे रेडी वापस आके हो गए है, क्योंकि वो वेडिंग हॉल पे गए थे ना, वापस आके रेडी हो गए हैं। ओह फ्रेश हो गए हैं सर। क्या फ्रेश, अभी इतनी गर्मी है वहाँ से चला है। अभी आप नीचे गए तो मैंने सोचा कि आप हमें भी वैसा करने से ये चलो। स्मेल आ रही है आप में से थेपला की। तो आएगी ना। चलिए अभी फटाफट से वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि बहुत मजा आता है ना वहाँ पे, क्यों काम भी ढेर सारा होता है। वैसे भी फ्राई तो जेंट्स लोग ही करते हैं, लेडीज का तो सुबह का ही काम है, मॉर्निंग मॉर्निंग में, इसीलिए तो वो सब बेल के आटा गूंद के बेल के रख देते हैं, सुखा देते हैं, फिर ये लोग चलते हैं। चलिए अभी चलते हैं। यस तलेंगे और चलेंगे। चलिए वेडिंग हॉल पे मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पे प्रसादी बन रही है। चलिए अब फटाफट से अंदर चलती हूँ, क्योंकि सब लोग यहीं पे होते हैं, सो हम भी चलते हैं अंदर। देखिए ऐसे होते हैं कि बन के रेडी हो गए। बेल के सब सूख रहे हैं और अभी फ्राई हो रहे हैं वहाँ पे गरम गरम, सब प्रसादी ही है माता रानी के। देखिए इसमें तो छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, और बात देखे लेने आ रहा है इतना बड़ा छिपा लिखे। अभी ना बनना तो सुबह से स्टार्ट होते हैं, इसलिए सुबह से बन जाता है और अभी सब सूख रहे हैं और एक तरफ फ्राई हो रहे हैं। क्या लेने आया हो? नहीं। तो इधर उधर कहाँ घूम रहे हो? वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया? कौन? ईशान। यस कल कल बुला ना उसे। ठीक है, मैसेज किया था, कॉल कर लेना चाहिए ना। जवाब नहीं दिया, उसके एग्जाम था थोड़ी। वो बोल रहा है कि उसका पक्का फ्रेंड ईशान नहीं आया ना। वही उसे ही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैसेज किया। देखिए कितने सारे थेपला यहाँ पे सूख रहे हैं। मैं तो सुबह से, मुझे मालूम है। हाँ, पर मैं दिखा रही हूँ व्यूअर्स को, इसलिए कैमरा इधर कीजिए। हाँ, मुझे तो मालूम है। हाँ, व्यूअर्स को भी मालूम है। सुबह मैं आया था ना थोड़ा बहुत, मैं थोड़ा काम में हूँ इसलिए काम कर रहा हूँ। हाँ बाबा, कल जरूर उसे बुलाना, फिर मस्ती करेंगे, धमाल मचाएंगे। अभी क्या काम कर रहे हो ना? अभी फ्राई कौन कर रहा है? पापा। चलो कोई बात नहीं।
थोड़े बहुत थेपला बाकी थे तो वापस कर रहे हैं क्योंकि ये सूख गए थे इसलिए। अब यहाँ पे थेपला बनाते बनाते साथ में ना हेमल बहुत सारे वेफर्स लेता है जैसे उड़ जा रही है। कोमल भाभी ने ओपन की है और पार्थ खा रहा है क्रंचेस। लीजिए, मैं तो काम कर रही हूँ। थेपले फैल रहे हैं तो ये मोटे मोटे थेपले हैं उसे थोड़े पतले कर रहे हैं इसलिए। सारे थेपले फिनिश हो गए थे, पूरा का पूरा वो हॉल है ना वो सब में था। अब सिर्फ ये चार ही बचे, पूरे फ्राई भी हो गए हैं, ये चार ही फ्राई करने को बाकी और बच्चे ना पूरा दिन थकते ही नहीं है अभी भी। देखिए चलिए अभी पूरा वेडिंग हॉल देखिए क्लीन हो गया है क्योंकि सारे के सारे जो थेपले बन के रेडी हुए थे सुबह से ऑलमोस्ट फ्राई भी हो गए हैं। अब कल सुबह वापस से हम लोग आएंगे और कल मैं सोच रही हूँ कि जल्दी आऊँ, सुबह 6 बजे तो नहीं आऊंगी बट थोड़ा जल्दी आऊंगी आज से। और आज शाम को है ना फिर भी बहुत मजा आया और बच्चों को तो वैसे भी यहाँ पे हमारे सब घर के बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अभी फ्राई हो जाए उसके बाद जाएंगे, थोड़े बहुत फ्राई होने बाकी वो किचन में हो रहे हैं फ्राई। ये बहन बहुत आवाज कर रही है। ऐसे मौके कब मिलेंगे, बहुत मजा और फुल एंजॉय। अब थक गया, अब जाना है घर पे, चलो जाना है ना? क्योंकि कल से नहीं पर परसों से पार्ट के एग्जाम है ना पार्ट। ऐसा वेडिंग हॉल खाली कब मिलेगा, वरना तो वेडिंग जाते हैं तो सब लोग होते हैं, ऐसे वेडिंग हॉल पे घूमड़ घूमड़ कब कर पाएंगे। इसलिए वेडिंग हॉल से वापस से मैं घर पे आ गई हूँ और वहाँ पे जाते हैं उसके बाद इतना मजा आता है ना सब लोग साथ मिलके जो हम लोग प्रसादी बनाते हैं सेलिंग के लिए। वो इतने सालों से वो परंपरा स्टार्ट है और अभी हम लोगों ने भी जारी ही रखा है क्योंकि क्या है कि ये जो हम लोग सेलिंग करते हैं ना थेपला बना के वो हेमल के यानी कि मेरे जो सासू के घर के है वो हमारे परदादा परदादी जो थे ना उन लोगों के टाइम से ये सेलिंग स्टार्ट है। तो हम लोगों ने भी ये परंपरा को कहते ना संजो के रखा है, हम भी इसे स्टार्ट ही रख रहे हैं इसीलिए इतनी सारी मात्रा में थेपला बनाते हैं। हमारे यहाँ पे उसे थेपला बोलते हैं वरना वो बेसन के आटे के छोटे छोटे वो पापड़ जैसे बनाते हैं और वो थोड़े थिक होते हैं इसकी वजह से वो टेस्ट में। और साल में सिर्फ एक ही दिन ये माता रानी को प्रसाद चढ़ता है एंड देन उसके बाद ही हम लोग भी वो प्रसादी स्वरूप में सबके घर में वो खाते हैं। अभी लेट कितना हो गया है देखिए, अभी फटाफट से मैं ना किचन में ही चली गई थी आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि गोलगप्पे बना रही हूँ, रात का डिनर करेंगे और व्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। कल भी मॉर्निंग में जाने वाली हूँ सो कल का व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, कल भी बहुत ज्यादा ही एंजॉय करेंगे वहां पे जाके। चलिए तो व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि डेली सुबह 9 बजे जो मेरा व्लॉग आता है वो आप तक पहुंच जाए और आप लोग व्लॉग देख सके। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.